सीताराम दोस्तों, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या है, आप हमारे साथ जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। देखते हैं, चलिए। टू द सभी अधिकतर चीज़ें मेरे पास टू द पॉइंट्स हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो टू द पॉइंट्स ही हमको समझना है, क्योंकि टू द पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पृथ्वी पर जीवन, मृदा, वायु, जल, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर हम निर्भर हैं, और ये चीज़ें प्राकृतिक संपदाएँ हैं। हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को सबको संरक्षित और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, और उन्हें संपूषणीय रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। जब हमें उसका उपयोग करना है तभी करें, और उपयोग पूर्णतया करें। ऐसा नहीं कि आधा यूज किया फिर बर्बाद कर दिया फिर एनर्जी वेस्ट चली, नहीं, थोड़ा यूज करें जितनी हमको जरूरत हो। यूरोप यूकेरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उसे प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। वायु, जल तथा मैदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जीव विविधताओं को हानि पहुंचाता है, ठीक है। और वायु जो पृथ्वी को कंबल की भांति ढके रहती है, हमें वायुमंडल कहते हैं। सिर्फ वायु क्या है तो वायु पृथ्वी के चारों एक कंबल भांति जो आप चीज़ हो उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु है वो वायुमंडल है। जीवन को आशा देने वाला पृथ्वी का घेरा, जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वही स्थल जीवमंडल कहलाता है। और जीवमंडल का सभी सजीवों को हम जैव घटक कहते हैं। जीवमंडल का सभी सजीव घटकों को हम जैव घटक कहते हैं। सब पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि सभी जैव घटक हैं। और जीवमंडल के वायु, जल और मृदा आदि निर्जीव घटकों को हम अजैव घटक कहते हैं। जिसमें जीव ना हो वो अजैव है, और जिसमें जीव हो वो जैव है। और कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से अलग होती है। हरे पेड़ पौधे सूखे कणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। क्या है? जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य ही जीवमंडल को गतिशील बनाता है और स्थिर बनाता है। वायु उष्मा की कुछ अलग है, हमेशा याद रखिएगा, वायु जो है वो उष्मा की कुछ अलग है, ना कि सुचालक है। तो हम निपट चुके होते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है। वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। और वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। वायुमंडल जो है दिन में जो तापमान अचानक से बढ़ने लगता है उसको रोकता है, और रात के समय उष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। वायुमंडल का बहुत बड़ा योगदान है हमारे पृथ्वी में और हमारे जीवन में। अगर अचानक जिसमें तापमान बढ़ जाएगा तो अब क्या हो जाएगा आपका हल्का टाइटा फिस। और स्थली भाग जली भाग की तुलना में अधिक चलती गर्म ठंडा होता है। स्थली भाग होता है वो जली भाग की तुलना में, अभी जली भाग की तुलना कर रहे हैं, जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और स्थली भाग जली भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। इस बात से कोई पूछता है संवहन धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, तो आप बता दें, जब स्थली भाग या जली भाग से होने वाले विकिरण का जो परावर्तन होता है तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होने लगता है, और गर्म होने पर जो धाराएं बहती हैं वही संवहन धाराएं कहलाती हैं। भूलिएगा मत, बाबा को पता संवहन धाराएं, गर्म होने पर जो धाराएं बहें वो संवहन धाराएं कहलाती हैं। स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती, भाई जो गर्म रहती है ऊपर उठने लगती ना भाप के रूप में उठना शुरू करती, और ऊपर उठते ही वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र को वायुवित होने लगती। हमेशा बैलेंस होगा, याद रखिएगा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। वायु कहते हैं पवन चली, हवा चली। अब वायु एक यहाँ से वहाँ गई, गति करने लगी, वही पवन उसी प्रकार से पवन का निर्माण होते होती, तो ये पवन चक्की लगा देगी बिजली उत्पादन के लिए। और देखिए, पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति एवं पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं
पवन प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए पवन प्रभावित करने वाले कारक, तो बता सकते हैं पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति एवं पवन के मार्ग में आने वाली प्रवाह श्रृंखलाएँ भी पवन को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, अब वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर ही निर्भर करता है, समझे? नहीं वाई फाई भी कभी जैसे हवा चल रही तो पक्का बारिश होगी, उनके पीछे पहाड़ है गए, जैसे हवा चल रही तो नहीं बारिश होगी, कुछ नहीं है क्योंकि उधर पहाड़ थे, वहाँ पहाड़ से टकरा गई पवन, पानी वहीं बरस गया। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम में सल्फर एवं नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जितने भी जीवाश्म ईंधन रहेंगे जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम में सल्फर एवं नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, जिनको जलाने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषण निकलते हैं जो वर्षा में मिलकर अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को बढ़ा देता है, और ये निलंबित कण बिना जल कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता। आगे देखिए, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जितने भी चक्र हैं सब जैव रासायनिक चक्र हैं। जल चक्र, नाइट्रोजन का चक्र, कार्बन चक्र एवं ऑक्सीजन चक्र साइकिल्स। जैव रासायनिक चक्र को साइकिल्स में अनिवार्य पोषक जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एक रूप में दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। सब कुछ सेम है, बस रूप बदलता है, फॉर्म्स बदल रहा है एनर्जी का बस। और जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थली जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। ठीक, वायु या कोहरे, स्मॉग आता है, SMOG का मतलब क्या? SMOKE+FOG, स्मोक देन फॉग, स्मोक लागे। इस प्रकार से देखिए, वायु या कोहरे में प्रदूषकों का भारी मात्रा में उपस्थित त्रुटि दृश्यता को कम करता है, इसे धूम कोहरा कहते हैं। दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? धूम कोहरा कहते हैं। धूम कोहरा वायु प्रदूषण की ओर संकेत करता है और वायु में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और सभी कोष की प्रक्रियाओं सभी कोष की प्रक्रियाओं सभी कोष की प्रक्रियाओं जली माध्यम में होती है। ये याद रखिएगा, जितनी भी कोष की प्रक्रियाएं हैं, इसलिए बाबा इस बात को मैं माइंड कर रहा हूँ, जितनी भी कोष की प्रक्रियाएं हैं वो जली माध्यम में होंगी, और सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती हैं वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में पदार्थों का जो संवहन घुली हुई अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में हो ही नहीं सकता। देखिए, हम लोग को इतनी नॉलेज है, हम लोग को इतना समझ में आता है, हाँ मतलब हम लोग मतलब वी आर स्टूडेंट आपके साथ, कि ठोस अवस्था में कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, सम्मान बताओ भूली अवस्था, यही किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ कर हमको कंफ्यूज करते हैं, और लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो एग्जाम में सही से ध्यान देना है और इस बात को याद रखना है, टू द पॉइंट्स, क्योंकि यही टू द पॉइंट्स आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी एनसीईआरटी सिलेबस में पढ़ रहा हूँ आपके साथ। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। वे खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण जीवों का सही सहन नहीं कर पाता, और मैदा के ऊपरी पृष्ठ भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं, और सेलों के टूटने से मैदा का निर्माण होता है। बिल्कुल बात सही है, सूर्य जल वायु लाइकेन से जीव सभी मैदा के निर्माण में सहायक कारक है। लेकिन लाइकेन जैसे जीव भी जो है ना, वो भी मैदा के निर्माण में सहायक है। ठीक है, लाइकेन नया वर्ड है आपके लिए, याद रखिएगा। मैदा के ऊपरी परत में सड़े गले जीवों के अवशेष भी मिले होते हैं जो मैदा को उपजाऊ बनाते हैं, और मैदा के इसी भाग को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहते हैं, क्या कहते हैं? मैदा के
सबसे ऊपरी परत में सड़े गले जीवों के अवशेष जो मिले होते हैं और जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, इसे ही मृदा के इस भाग को हम ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस मृदा को सरंध बनाते हैं, इसमें जल को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब उसमें दंध बना दे तो जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए सरंध कहते हैं। कुछ उपयोगी पदार्थों को मृदा से हटना एवं निकाय पदार्थों को मृदा में मिलना जो मृदा की उर्वरता को कम करता है एवं उसमें स्थित जैव विविधता को नष्ट करता है, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जब भूमि को प्रदूषित करें भूमि प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण प्रदूषण कैसे होता है ये आपको पता ही है। अब मैदा के से मैदा के ऊपरी उपजाऊ भाग खींचना, मिट्टी तो बनी रहेगी हटेगी नहीं, उपजाएगी नहीं वहाँ से, लेकिन उसका जो ऊपरी जो उपजाऊ भाग होता है उसको वही कट जाए चला जाए इधर से उधर, तो वो कहलाता है मैदा पतन। मैदा पतन को ब्लॉकिंग कैसे, जंगलों को काटना बंद करा दीजिए, और जंगलों को काटना बंद कर देंगे तो क्यों नहीं क्यों रुक जाता है, कि पौधे की जड़ें मृदा पतन को रोकती हैं और मिट्टी को बांधे रखती हैं, और जीवन को स्थल पर निर्धारित करने वाले कारकों में जल, तापमान और मिट्टी की प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जिस चक्र के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का स्थानांतरण हो उसे हम रासायनिक चक्र कहते हैं। विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा इन दोनों का स्थानांतरण हो, दोनों करें दोनों के बीच हो, तो वो कहलाता है जैविक रासायनिक चक्र। जैविक रासायनिक चक्रों द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नदी द्वारा बहा कर लाया गया बहुत से पोषक तत्व तो समुद्र से समुद्री जीवन द्वारा उपयोग किया जाता है, और विभिन्न जलाशयों जैसे नदियों समुद्रों महासागरों का जल सूर्य की ऊष्मा ताप कर जलवाष्प बन जाते हैं और वर्षक रूप में पुनः सतह पर गिरते हैं, फिर सतह से नदियों द्वारा समुद्र या महासागर पहुंच जाते हैं, यही प्रक्रिया से जल चक्र कहलाती है। मैं वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन जीवन के लिए बहुत सारे अणुओं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, कुछ विटामिन्स का भाग है, और नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक पोषक है। शुक्र मंगल ग्रह के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसा और है और भिन्न क्यों है। पृथ्वी पर वायुमंडल के जीवन के सभी मौजूद तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि घटकों का मिश्रण ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जबकि शुक्र मंगल ग्रहों पर जीवन कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ के वायुमंडल में 95 से 97 तक कार्बन डाइऑक्साइड ही है। भैया यहाँ पॉइंट में चल रही है, यहाँ 95 से 97 है शुक्र मंगल में गुजरना होगा। वायुमंडल कंबल के तरीके कैसे कहा करता है, वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है, और वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की तरफ कम करता है, यही कारण कंबल के कारण होता है। और वायु प्रभाव पवन के क्या कारण, स्थल और जलाशयों के ऊपर विषम रूप में वायु के गर्म होने के कारण पवने उत्पन्न होती हैं, और स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर जब उठना शुरू करती है तो ऊपर उठते ही वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। ऐसे ही कम दाब का क्षेत्र बनता है तो समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र के प्रभावित होने लगती है, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है, और पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान पृथ्वी की घूर्णन गति और पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ पवन को प्रभावित कर देती हैं। बादलों का निर्माण कैसे होता है, दिन के समय जब जली भाग गर्म हो जाता है, जली भाग गर्म हो जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है, और जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है, और यह जब गर्म होकर वायु के साथ मिलकर ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर फैलती है, ठंडी हो जाती है और बरसात होती है। पृथ्वी के तीन क्रियाकलाप मनुष्य के तीन क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए जो वायु प्रदूषण में सहायक है, बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों है बताइए, आपको छोड़ दीजिए, जिस गांव शहर में आते हैं वहाँ उपलब्ध जल शब्द जल का मुख्य स्रोत क्या है, जहाँ रहते होंगे नदियाँ होंगे जलाशय होंगे। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये देखने लायक चीज है, मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है जो पत्थरों के बाहरी कणों में टूटने से होता है, और पृथ्वी की सतह के समीप पाए जाने वाली चट्टाने विभिन्न प्रकार के भौतिक रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रियाओं के द्वारा महीन कणों में टूट जाते हैं, इससे मृदा का निर्माण होता है, और मृदा के निर्माण में कुछ कारक जैसे सूर्य की गर्मी जो दिन में पत्थरों को गर्म करती है रात में ठंडा करती है,
इससे चट्टानों में संकुचन होता है, पेशाब होता है और छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। जल का तेज बहाव आता है जो पत्थरों में छोटे छोटे कणों में और तेजी तोड़ देती है। तेज वायु होती है जिससे पत्थर दूसरे से टकराते हैं और कुछ जीव जैसे लाइकेन मैदा के बनने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों मैदा अपरदन क्या होता है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसका तेज वायु और जल के द्वारा बहाव के द्वारा हट जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाना मैदा अपरदन कहलाता है। जो मैदा के महीन कण होते हैं उसका उपजाऊ भाग होता है और बहते जल के साथ चला जाता है। तेज वायु भी मैदा के कणों को उड़ा ले जाती है। उड़ी मैदा का अपरदन को रोकने के काम करेंगे भैया। कैसे करेंगे? पौधे की जो जड़ें होती है वो मैदा के कटाव को रोकती हैं। अधिक से अधिक पौधे लगाइए, हरा भरा रखिए, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती कीजिए। पूजा पॉइंट्स फिर आते हैं। जलचक्र क्रम में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं? द्रव, गैस एंड ठोस। जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम दीजिए जिसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। अमीनो एसिड, डीएनए, आरएनए। डीएनए फॉर्म डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्य की तीन गतिविधियाँ नहीं बताऊँगा मैं, आपको पता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ये आपको पता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से? या द्वि परमाणु O2 जो एक जीवन दैनिक गैस है जिनका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं, यह है O2, और द्वि परमाणु गैस O3। यह एक विषैला पदार्थ है जिससे इससे वायुमंडल के ऊपरी पद में ओजोन का एक तत्व बना है जो वायु सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों जैसे अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। O2 एंड O3, O3 मीन्स ओजोन। जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है पता नहीं है, बताइए आपको। जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है? अरे फिर से वही क्वेश्चन है, फिर बताना पड़ता आपको। सभी कोशिकाएं प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। ये जो चीज़ें हैं ना इनको रखना नहीं है, अगर आपने इनको रखने की कोशिश की जो चीज़ें पूरा पॉइंट से वो रखने की जरूरत है कि जो वैसे क्वेश्चन से उनको रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारे साथ आम जीवन में हमारे साथ हो रही हैं। इसलिए हमें एक बार सोचना है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार आप सोचिए, अपने आसपास फील कीजिए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इससे कि आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप लक्यू तोता नहीं बनेंगे, केवल क्यूदा पॉइंट्स ही याद रखेंगे। समझिए दोस्तों, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संगम घुली अवस्था में होता है। क्या ठोस अवस्था में हो सकता है? नहीं हो सकता है, एक ही हमें याद हो जाएगा। हमारे शरीर कोशिकाओं में होने वाली शरीर प्रक्रियाएँ जल में घुले हुए पदार्थों से पूरी होती हैं। ठीक, आगे देखिए। जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा में पूरी तरह स्वतंत्र है? हाँ, मृदा एक महत्वपूर्ण संपदा है जो किसी क्षेत्र में जीवन की कोई विविधता को निर्धारित करता है। और मृदा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवन पाया जाता है जो अपनी अपनी जरूरत की चीज़ें मृदा से ही प्राप्त करता। तब व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोशन डिफॉरेस्टेशन? नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कॉज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन लाइकेन। व्हाट इज द कार्ड थ्री एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ओजोन? व्हाट इज द कार्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज फाउंड इन अपर मोस्ट सॉइल ह्यूमस? व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एटमोसफियर? नेम द ग्रीन हाउस गैस CO2। नेम द ग्रीन हाउस गैस विच इज मेजर पार्ट ऑफ LPG मेथेन। नेम ए पॉल्यूटेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड एंड सल्फ्यूरस ऑक्साइड। जल वाष्प कैसे बनती है? जल वाष्प जीवित प्राणियों की क्रियाकलापों जल के गर्म होने के कारण बनती है। और संवहन धाराएं कैसे बनती हैं? वायु के गर्म होने से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, संवहन धारा रखिएगा, वायु गमन से जो धारा उत्पन्न संवहन धारा कहती है। दिन के समय हवा की दिशा किस ओर होती है? दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की होती है। नुकुल याद रखिएगा, दिन के समय जो हवा की दिशा होगी वो स्थल से समुद्र की होगी। पवन का निर्माण कैसे होता है? स्थल के ऊपर की वायु तेजी से ऊपर उठती है, जैसे ही वह ऊपर उठती वहाँ कम दाब का क्षेत्र बनता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र के ऊपर बहने लगती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति का गति होती है, उसी से पवन का निर्माण होता है। मृदा में पाए जाने वाले खनिज पोषक तत्व किस बात पर निर्भर करते हैं? उन पत्थरों पर जिससे यह मृदा बनी है, क्योंकि किस चट्टान में कितनी खनिज या पोषक तत्व हैं यह उस चट्टान पर ही निर्भर करता है। अब कौन सा अधिक तेजी से गर्म होता है? भूमि या जल? भूमि। कौन सा ठंडा कैसे होता है तेजी से? भूमि।
ओजोन का अणु ऑक्सीजन के अणु से कैसे अलग है? ओजोन का अणु है वो थ्री परमाणु के, तब ओ थ्री होता है, थ्री ऑक्सीजन के उसमें अणु हैं, एक विषैला पदार्थ है, जबकि द्विपरमाणु वाला अणु ऑक्सीजन एक जीवनदायी तत्व है। मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो ओजोन पतले में नुकसानदायक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS। ओजोन परत के किस भाग में छिद्र पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया गया है। ओजोन में जो है छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मत भूलिएगा। वायुमंडल परिघटना इसमें कुछ गैसें पृथ्वी के ताप को बाहर जाने से रोकती है। जो पृथ्वी का ताप है वो बाहर जाने से रोकती है, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। चार प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के नाम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। दो प्रदूषकों के नाम बताइए जो हमने उत्सर्ग के कारण है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्मी ईंधनों, कोयला और पेट्रोलियम। किसी स्थान की मृदा की संरचना का मुख्य कारक क्या है? वहाँ की उपस्थिति ह्यूमस की मात्रा। और ह्यूमस क्या है? मृदा के ऊपरी भाग में सड़े गले जीवों के टुकड़े मिले होते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। मृदा निर्माण में सहायक एवं जैविक कारक क्या है? लाइकेन। मृदा निर्माण में सहायक तीन अजैविक कारक कौन से? तापमान, वायु एवं जल। किस मृदा में कौन सा पौधा होगा जो इन बातों पर निर्भर करता है? मृदा में पोषक तत्व की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा, मृदा की गहराई और मृदा की उर्वरता एवं उसमें स्थित जैव विविधता का होने को क्या कहते हैं? भूमि प्रदूषण। मृदा को स्थानांतरित करने वाले कारक कौन से? वायु, जल, मृदा पतंग, प्रमुख कारण वन विनाश। समुद्री जंतु अपना कोच किस पदार्थ से बनाते हैं? समुद्री जंतु अपना कवच समुद्री जल में झूले घुले कार्बोनेट से बनाते हैं, याद रखिए। जल में जो कार्बन घुले उनसे बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे सूखी कणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में बदलते हैं? ग्लूकोज में। धूम कोहरा किसे कहते हैं? सर्दियों में वायु के साथ जल भी संघनित होता है और उसके साथ कुछ हाइड्रोकार्बन से बने प्रदूषक भी मिल जाते हैं, इसे धूम कोहरा कहते हैं। नाइट्रोजन को शीघ्र करने वाले बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस पदार्थ में बदल देते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। नाइट्रोजन शीघ्रण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन का नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन का शीघ्रण कहते हैं। हाँ, पौधे नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स को किस पदार्थ में बदलते हैं? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन का एक सूक्ष्मतम रूप है। जो अमीनो एसिड है प्रोटीन का सूक्ष्मतम रूप है। हरे पौधे जंतु को ऊर्जा किस में प्रदान करते हैं? ग्लूकोज के रूप में। और जंतु पौधों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किस करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिकी शोषण। जहाँ ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है उस पर क्या नाम बताइए जिसके द्वारा ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में उपस्थित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तीन प्रमुख प्रक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, शोषण, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में। भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है और ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ मिलकर भूमि पर गिरते हैं। नाइट्रोजन सही प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक पोषक है कैसे? यह गैस जीवन के लिए आवश्यक बहुत से अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA तक कुछ विटामिन। नाइट्रोजन दूसरे यौगिक जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे एल्कलॉइड तथा यूरिया। इससे नाइट्रोजन सही प्रकार के जीवन के लिए पोषक तत्व है। किस मृदा में कौन सा पौधा जो मृदा के गुण पर निर्भर करते हैं? मृदा में पोषक तत्व की उपस्थिति उपस्थित ह्यूमस मात्रा उपस्थित ह्यूमस की गहराई। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक यही फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत।